एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश और आज का सेशन है हमारा 49। जी हाँ, आज के इस 49 सेशन में दोस्तों, चूंकि हम पिछली वीडियोस में स्टार्ट कर चुके हैं प्रेजेंट, तो आज के इस सेशन में हम प्रेजेंट टेंस को ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन प्रेजेंट का कौन सा, ये आपको पता पड़ेगा जब मैं आपको प्रेजेंट टेंस में करवाऊंगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि आज कौन सा नंबर है, क्योंकि पिछली वीडियो में दोस्तों हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आने वाला सेशन स्टार्ट करेंगे आज। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी एग्जांपल्स हैं या कहीं कोई भी दिक्कत और कोई क्वेश्चन है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखे होंगे। यदि नहीं लिखे तो ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। फीडबैक मेरे लिए भी ज़रूरी होता है और आपके लिए भी। खासकर फीडबैक मेरे लिए तो ज़रूरी है ही, क्योंकि उसका नेम ही फीडबैक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ज़रूरी होता है कि मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे क्या करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी हर बताई हुई बात आपके यूज़ में आए, आपके काम आए। तो प्लीज़ चूकिएगा मत। यदि आपको कहीं कैसा भी कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे तो आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं टेंस की ये वीडियो और फिनिश करेंगे इस वीडियो को अपने पूरे टेंस के साथ जो आज हम करने वाले हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जी हाँ, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जैसा कि मैंने आपको बताया था पास्ट में कि किसी भी सेंटेंस में, इट मींस जब भी हम कुछ पढ़ते हैं उसमें कहीं भी कंटीन्यूअस लगा जाए, चाहे वो सेंटेंस हो और चाहे वो किसी टेंस का नेम हो, वहाँ हम हमेशा ये समझ जाते हैं कि कोई काम जारी है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। तो जी हाँ, यहाँ कोई काम जो जारी रहता है, जो काम चल रहा होता है, जो प्रोसेस में है, वो कहलाता है कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट मतलब जो अभी भी कंटिन्यू है। तो ऐसा ही कुछ आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल क्या होता है और इसमें सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। करें स्टार्ट, चलिए आइए। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहले रूल देखेंगे, तो रूल में आता है इसके इज एम। इज होता है दोस्तों सिंगुलर, मतलब एक वचन। एम लगता है आई के साथ, केवल आई के साथ एम लगाते हैं। और सेकंड आता है आर, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। और मेन वर्ब में इसमें दोस्तों आता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो हमारा स्टेटमेंट बन गया, हमारा रूल इज एम आर के साथ जहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए उसे कहते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस आपको छोटी सी बात समझनी है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब जो काम चल रहा है। हिंदी में वही रहा है, रही है, रहे हैं आता है। जहाँ रहा है, रही है, रहे आ जाए, मैं जा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, माँ खाना बना रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, पिताजी नहा रहे हैं, तो जहाँ रहा है आ गया, वहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। सिंपल। आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस कि कैसे करते हैं हम इसके दोस्तों सेंटेंस। जैसे मैं आपसे कहूँ वे दौड़ रहे हैं, वे, तो वे का मतलब क्या हो गया, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो दौड़ रहे हैं, तो वे प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम आर लगाएंगे क्योंकि आर प्लूरल होता है और इज सिंगुलर। तो यहां लगेगा आर, क्यों, क्योंकि मैंने कहा वे, वे मींस दे आर रनिंग। सो दोस्तों दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं मींस वे बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल वर्ब आर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज करते हैं हेल्पिंग और उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। तो रन और रन की आईएनजी फॉर्म रनिंग, आर यू डबल एन आईएनजी। सिंपल। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, सेकंड में मैं आपसे कहूं गीता नाच रही है। जी हां, गीता नाच रही है, तो मैं क्या कहूंगा, गीता, गीता सिंगुलर है तो इज लेगी। सिंपल, गीता इज और नाचने की होती है डांस, तो डांस में लग गया आईएनजी, तो दोस्तों गीता इज डांसिंग। सिंपल है, गीता इज डांसिंग, तो गीता इज डांसिंग मींस गीता नाच रही है। राइट, नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट में मैं आपसे कहूं मैं सोच रहा हूं। हम छोटे छोटे सेंटेंस कर रहे हैं, जैसे छोटे करेंगे आपके समझ में आएंगे, आप बड़ा लेंदी बना सकते हैं। मैं सोच रहा हूं, तो मैं मींस एम, आई के साथ एम लगता है,
तो सेंस बन गया आई एम। दोस्तों सोचने की थिंक, और थिंक में हमने आई एन जी लगा दिया, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं। मुझे डिस्टर्ब मत करो यार, मैं कुछ सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, दैट सिंपल। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों नंबर फोर्थ में मैं आपसे कहूं हम बातें कर रहे हैं, तो हम का मींस वी, और वी के संग प्लूरल वर्ब आर, वी आर लेगा, तो सेंटेंस हो गया वी आर, बात करने की टॉक, और टॉक में आई एन जी, वी आर टॉकिंग, हम बातें कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, दैट सिंपल। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉजिटिव के लिए नंबर 5th, दोस्तों नंबर 5th में कह सकता हूं तुम क्या कर रहे हो, तुम रुपए जमा कर रहे हो, कहां पे, बैंक में, तो बैंक को थोड़ा छोड़ देते हैं, हम लगाते हैं तुम रुपए जमा कर रहे हो, तो सेंटेंस क्या होगा, तुम, यू, दोस्तों यू जो है वो प्लूरल होता है, और प्लूरल के संग हम आर लगाते हैं, तो सेंटेंस बन गया यू आर जमा करने की डिपॉजिट, और डिपॉजिट में आई एन जी लग गया डिपॉजिटिंग, तो यू आर डिपॉजिटिंग मनी, तुम रुपए जमा कर रहे हो, यू आर डिपॉजिटिंग मनी, तुम रुपए डिपॉजिट कर रहे हो, जमा कर रहे हो, सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि वर्ब में आई एन जी लगी और पर्सन के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, दे था तो आर लगा, गीता है तो इज, आई है तो एम, वी है तो आर, और यू है तो आर, एंड दैट्स सिंपल। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस, इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। दोस्तों इन्हीं पॉजिटिव के बाद हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव। तो भाई नेगेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव बहुत सिंपल होते हैं, केवल नॉट लग जाएगा, नेगेटिव में हमें कुछ भी नहीं करना, केवल नॉट लगाना है। जैसे दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं, अब मैं आपसे कहूं वे नहीं दौड़ रहे हैं, या हम ये भी कहते हैं हिंदी में वे दौड़ नहीं रहे हैं, तो भैया क्या बनेगी, दे आर, नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो आर हेल्पिंग वर्ब है, अब नॉट लगेगा, तो दे आर नॉट रनिंग, एंड दैट सिंपल, वे दौड़ नहीं रहे हैं, दे आर नॉट रनिंग। सेकंड दोस्तों सेंटेंस था गीता इज डांसिंग, गीता डांस कर रही है, तो सेंटेंस बन गया गीता इज सिंगुलर है और नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो गीता इज नॉट डांसिंग, फुल स्टॉप, गीता इज नॉट डांसिंग। नंबर थर्ड दोस्तों हमारा था आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, अब मैं नहीं सोच रहा हूं, तो आई हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद नॉट, और थिंक की फॉर्म थिंकिंग, तो दोस्तों सेंटेंस बन गया आई एम नॉट थिंकिंग, राइट। नंबर 4th, वी आर टॉकिंग, हम बातें कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव, हम बातें नहीं कर रहे हैं, तो वी आर नॉट टॉकिंग, हम बातें नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, सब में आप देखेंगे तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग रहा है, मेन वर्ब के बाद नहीं, ये रूल होता है कि हम नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू आर डिपॉजिटिंग मनी, तुम रुपए जमा कर रहे हो, अब भैया तुम रुपए जमा नहीं कर रहे हो, तो सेंटेंस बन गया यू आर नॉट डिपॉजिटिंग, यू आर नॉट डिपॉजिटिंग मनी, यू आर नॉट डिपॉजिटिंग मनी, एंड दैट सिंपल। कोशिश करें पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने की, द मच पॉजिटिव और नेगेटिव यू मेक, द मच पॉसिबिलिटी वुड बी देयर टू लर्न सो मेनी थिंग्स। आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, तो आप बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हैं आसानी से, तो इसीलिए कोशिश करें प्रैक्टिस करने की।
राइट आइए करते हैं लास्ट सेंटेंस, और वो है दोस्तों हमारा इंटरोगेटिव। जी हां दोस्तों, इंटरोगेटिव का मींस क्या हो गया? द मीनिंग ऑफ इंटरोगेटिव इज जहां क्वेश्चन मार्क आ जाए, जहां हम क्वेश्चन मार्क लगा दें वो कहलाते हैं इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। तो भाई प्रश्नवाचक कहलाते हैं इंटरोगेटिव। सिंपल, करना क्या है? कुछ भी नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब को हमें आगे लगा देना है। आप हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लगा देंगे, यही कहलाएगा इंटरोगेटिव। जैसे एग्जांपल, दे आर नॉट रनिंग, वे नहीं भाग रहे हैं। आपको लगाना है क्या वे भाग रहे हैं, क्या वे? तो दोस्तों क्या की इंग्लिश होती है हेल्पिंग वर्ब, तो उसी हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दीजिए। तो सेंटेंस बन गया, आर दे, आर हमने आगे ले लिया और दे बाद में, तो आर दे रनिंग। इंटरोगेटिव दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है आपको, कहने का लहजा जरूर होना चाहिए। जब आप कह रहे हैं क्या वो भाग रहे हैं, तो लगना चाहिए कि हाँ जी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप उसकी टोन बदलेंगे, क्या वो भाग रहे हैं, तो आपकी आंखें और आपकी जुबान है वो उसी वे में जाती है, क्या वे भाग रहे हैं। यदि आप ये कहें क्या वे भाग रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो क्वेश्चन को क्वेश्चन के अंदाज में पूछना है। राइट, तो मैंने कहा क्या वे भाग रहे हैं, आर दे रनिंग इन इंग्लिश। सेकेंड, गीता इज नॉट डांसिंग, गीता डांस नहीं कर रही है। अब मैं आपसे कहूं क्या गीता डांस कर रही है, तो दोस्तों इज जो है वो आगे आ जाएगा, तो सेंटेंस बन गया इज गीता डांसिंग क्वेश्चन मार्क, इज गीता डांसिंग, क्या गीता डांस कर रही है, एंड दैट्स इट। नंबर नेक्स्ट, नंबर थर्ड है दोस्तों, आई एम नॉट थिंकिंग, मैं नहीं सोच रहा हूं। अब क्या मैं सोच रहा हूं, तो एम को हम आगे ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब है, तो एम आई थिंकिंग एंड क्वेश्चन मार्क, एम आई थिंकिंग, क्या मैं कुछ सोच रहा हूं, एम आई थिंकिंग, सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर फोर्थ है दोस्तों, वी आर नॉट टॉकिंग, हम बातें नहीं कर रहे हैं। और मैं आपसे कहूं क्या हम बातें कर रहे हैं, क्या हम बातें कर रहे हैं, तो क्या के लिए वही हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, तो आर इसमें हेल्पिंग वर्ब था, तो आर वी टॉकिंग क्वेश्चन मार्क, आर वी टॉकिंग, क्या हम बातें कर रहे हैं। एंड द लास्ट दोस्तों, नंबर फिफ्थ है, यू आर नॉट डिपोजिटिंग मनी, तुम रुपए जमा नहीं कर रहे हो। वैसे तो हम सबको रुपए जमा करने चाहिए भविष्य के लिए, तो ये जरूरी है और अच्छा भी है। तो अब मैं आपसे कहूं क्या तुम रुपए जमा कर रहे हो, क्या तुम रुपए जमा कर रहे हो, तो दोस्तों आर जो है वो आगे आ जाएगा, क्योंकि आर हेल्पिंग वर्ब है, तो सेंटेंस बना आर यू डिपोजिटिंग मनी एंड क्वेश्चन मार्क। दोस्तों सेंटेंस बन गया आर यू डिपोजिटिंग मनी, एंड दैट्स सिंपल। आशा करता हूं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। यदि नहीं तो दोस्तों एक बार फिर से इस क्लास को देखिएगा दोबारा, मेरी कोशिश है कि आपको जरूर समझ में आएंगे, मेरा विश्वास भी है। कंप्लीट करें इस सेशन को, और आप प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स योर आंसर्स, आंसर इन द सेंस सेंटेंसेस, जो दोस्तों हमने अभी सेंटेंस बनाए हैं, आप इन पे प्लीज दो दो सेंटेंस जरूर बनाएं, ये आपका होमवर्क है। द मच मोर सेंटेंस, मैंने कहा कि आप जितने सेंटेंस बनाते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होता है, तो यदि आप दो सेंटेंस मेरे लिए बनाएंगे तो ये फीडबैक मेरा होगा। सो दोस्तों दैट्स इट, आशा करता हूं पूरे विश्वास के साथ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ये क्लास, ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे सिंपल सेंटेंस होते हैं एंड द सेकंड पार्ट सबसे यूजफुल होते हैं, कोशिश करें मोर एंड मोर सेंटेंस बनाने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंजॉय योर डे, थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री, थैंक यू, नमस्कार।